हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपने YouTube वीडियो पे सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से। तो जैसे कि आप फ्रेंड देख पा रहे होंगे कि कई वीडियोस जो अपलोड करते हैं तो उनके वीडियो के नीचे का जो होता है वो सब्सक्राइब बटन कुछ इस तरीके से आता है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग ये कि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उनको ये सब करना है तो उनको कंप्यूटर पे जाना है, और जो नए यूट्यूबर्स होते हैं तो वो कंप्यूटर होता नहीं है उनके पास, या फिर अगर होता भी है तो वो प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप इस तरीके के सब्सक्राइब बटन या फिर अपना इस जगह वाटरमार्क लगाना चाहते हैं अपने चैनल का, वो भी अपने फ़ोन से, तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड आप जो है क्रोम ब्राउज़र पर यूट्यूब को ओपन कर लीजिए, ये आपका पहले आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे जो है आपको एक पेज और खोलना है, वहाँ पे आपको जो है टाइप करना है सब्सक्राइबर बटन, और आपको इमेज पे क्लिक करना है, और आपको जो इमेज है कुछ इस तरीके की इमेज आपको दिखाई देगी, तो आपको इनमें से कोई भी एक इमेज को इस तरीके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने पेज पर जाइएगा और यहाँ पर आप लॉग इन कर लीजिएगा। आपको जो भी YouTube का चैनल है जिस पे आईडी से, उसे लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऊपर थ्री डॉट्स पे, और इसे जो है अपना रिक्वेस्ट डेस्कटॉप व्यू पे कर लीजिएगा। तो आप जब इसको कर लेंगे तो ये डेस्कटॉप व्यू पे खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से आपका जो है डेस्कटॉप व्यू पे खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपका इस तरीके से खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप पे जो है YouTube लिखा रहता है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको आना है, और वहाँ पे आपको ये थ्री लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ऑप्शन खुलेंगे तो आपको यहाँ पे माई चैनल पे क्लिक करना है, तो माई चैनल पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा आपका, ठीक है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखेगा वीडियो मैनेजर, तो आपको वीडियो मैनेजर पे क्लिक करना है। आप वीडियो मैनेजर पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, तो फिर आपको क्लिक करना रहेगा चैनल पे, तो ये यहीं पे आएगा आपका चैनल, ये देखिए। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है, जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा आपका। फिर आपको साइड में देखना है, यहाँ पे आपको ढूंढनी है ब्रांडिंग, कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग आपको दिखेगी यहाँ पे, तो आपको ये ब्रांडिंग पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो ब्रांडिंग पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज एक फिर ओपन होगा, उसमें आपको दिखाएगा ब्रांडिंग में ऐड अ वाटर मार्क, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लेंगे तो थोड़ा आपको इसको जूम आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे एक पॉपअप विंडो खुल जाती है इस तरीके की, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से एक फाइल को चूज़ करना पड़ेगा जो आपने फ़ोटो अभी अभी जो डाउनलोड की है उसको आपको यहाँ से पहले डाउनलोड जो कर चुके हैं उसको यहाँ से आप जो चूज़ करना है। तो आप यहाँ से सिंपली अपनी गैलरी में आ जाइए, जब आप किसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, आपको जो है आपने जो डाउनलोड किया है उस डाउनलोड को आपको ढूंढना। जैसे ये देखिए मेरा डाउनलोड इसमें पड़ा हुआ है सब्सक्राइबर बटन का, और इस पर मुझे इस तरीके से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए अगर ना हो जिस तरीके से मेरा नहीं हुआ है तो आप दोबारा क्लिक कर लीजिएगा गैलरी पे जाके, यहाँ पे आके एक बार सब्सक्राइबर बटन को इस तरीके से क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप जब कर लेंगे तो ये अपने आप लोड ले लेगा, और आप इसको सेव करना रहता है, तो आप सेव कर लीजिए इसे। तो आपका जब सेव कर लेंगे तो आपका जो है सेव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो जब सेव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके से ऊपर साइड में, जब एक वक्त आपका सेव होने के बाद आपको दिखाएगा ये साइड में, आप देखिएगा ये, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखाएगा आपको डिस्प्ले टाइम, ठीक है। तो कस्टम स्टार्ट दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टम स्टार्ट पे, और आपको यहाँ पे सेट करना है इंटायर वीडियो, ठीक है। आप जब इंटायर वीडियो कर लेंगे हैं
सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट का बटन प्रेस करना है और ये आपका अपडेट हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। तो जब फ्रेंड ये आपका अपडेट पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद ये सेव हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप बैक जाएंगे या उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आप इजीली वहाँ से बैक जाइए और अपनी वीडियो पे चेक कर लीजिए कि आपका सब्सक्राइब बटन जो है लगा या नहीं लगा है। तो इस तरीके से जो है आप अपने चैनल का लोगो भी अपने वीडियो के उस पर जो है लगा सकते हैं और इस तरीके से आप जो है अलग अलग तरीके से सब्सक्राइब बटन को चेंज करके बदल के अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन होता है ना फ्रेंड, ये इस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके थैंक यू फ्रेंड।